जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने कोटेश्वर पहुंचकर मत्स्य विभाग के मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया एवं कोटेश्वर झील में मत्स्य सीट डालकर मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जनपद को अग्रणी बनाए जाने का संदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए मछली व्यवसाय और अन्य काश्तकारों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकार मल्टी क्रॉपिंग के साथ साथ मत्स्य पालन को अपनाकर आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन एक क्रश क्रॉप है जिसमें काश्तकार मत्स्य पालक कभी भी इसका विपणन कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हैचरी में जो भी कमियां हैं संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए ताकि हैचरी को और अधिक व्यवस्थित करने हेतु उत्पादन क्षमता के साथ साथ वितरण को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी समेत THDC के अधिकारियों एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कोटेश्वर बांध झील में मछली सीट डालकर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने का संदेश दिया। इस दौरान सहायक निदेशक मत्स्य अल्पना हल्दिया ने हैचरी में मछलियों की प्रजातियां, हैचरी में मत्स्य बीज उत्पादन की क्षमता एवं मछली के लिए फीडिंग इत्यादि जानकारियां भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। AD फिशरी ने बताया कि हैचरी में जहां ट्राउट फिशिंग सीट के लिए लगभग 2 लाख की क्षमता है वहीं कॉमन का मत्स्य सीट की क्षमता इससे 5 से 6 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलाई अगस्त माह मत्स्य प्रजनन का समय होता है, इस दौरान मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन में सबसे बड़ी समस्या उनकी मृत्यु दर है जो कि लगभग 50 से 60% है। इसके अलावा मछली को सही पोषण की निरंतर उपलब्धता पर ही उनका वजन निर्भर करता है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।